ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे कि इनको पहले क्या था, 4th स्टेज का कैंसर, और ये खुद ही बताएंगे क्या दिक्कत थी उनको। नवंबर महीने में डॉक्टर ने मुझे कैंसर घोषित किया। प्रभु जी को मैंने बताया, मैंने बोला कि ऐसे बायोप्सी का रिपोर्ट करवाए हैं। प्रभु जी ने उस टाइम बोल दिया कि जो भी आए, कोई भी हो, आपको घबरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होएगा। तो अपने पंचग्रव्य की जो ट्रीटमेंट है वो चालू करवाई। आज उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा, पूरा मेरा कैंसर अभी 10-15% बाकी होगा, कंप्लीट हो गया मेरा। आप लोग दुआ करोगे तो 15% वो भी चला जाएगा। अभी आज जो कुछ भी है इनका बेटा ज़रूर बताए। हाँ, प्रभु जी की कृपा से है, अपने मेरी नहीं, गौ माता की कृपा से। गौ माता की, प्रभु जी की कृपा तो पहले है ही, उसके सिवा कुछ नहीं है। इनका बेटा बताएगा कि डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ, वो डिटेल में ये बताएगा। तो पापा का फोन आया, वो डेंटिस्ट के पास थे और डेंटिस्ट ने बोला कि आपको कैंसर है। मेरे पापा को वहाँ चक्कर आने लगे और मेरे को फ़ोन कर दिया कि मैं जा रहा हूँ अब। मैंने बोला आप कहीं नहीं जा रहा, पहले घर पहुँचो। बायोप्सी करवाने के बाद घर आए और मम्मी और पापा प्रभु जी के पास आए। प्रभु जी को मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा कैंसर का टेस्ट करवाया है। प्रभु जी ने बोला कुछ नहीं होगा, अगर कुछ आएगा तो अपना गोचरण है ना, बस बात ख़त्म हो गई मेरी। तो कि अब मंजिल कोई, रास्ता कोई भी हो, मंजिल तय है कि इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म वचन निकल चुका है। उसके बाद 2 दिन बाद मैं रिपोर्ट लेने जाता हूँ। मैंने इनको हॉस्पिटल से बाहर बिठाया और मैं अंदर जाता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं 4th स्टेज कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर। मेरे हृदय में 1% भी इधर से उधर नहीं हुआ कि मेरे पास तो ब्रह्म वचन पड़ा है, मेरी माँ का वचन है मेरे पास, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं वापस आ गया, वो डॉक्टर वहीं पे फटाफट कोरोना टेस्ट करो जल्दी जल्दी, कल ऑपरेशन रख देते हैं। एक समय लिए के लिए मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मुझे लगा कि आज ही कर देंगे इनका जो भी। मैंने इनको व्हीलचेयर पर बिठाया और सीधा माँ को स्मरण करके निकल गया हॉस्पिटल से बाहर कि अब जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ आ गया, बस इनके वचन में ही हिम्मत होती, इनकी नज़र में ही हिम्मत होती, इनकी मुस्कान में ही हिम्मत होती है। कैंसर तो वहीं भाग जाता है। और वहाँ से फिर पापा की ट्रीटमेंट शुरू हुई। ट्रीटमेंट शुरू हुई तो पहले के कुछ कर्म रहते हैं जो भी है। तो 1 महीने में पापा सब ठीक तो हुए, पर फिर अचानक से उनका दर्द बहुत बढ़ने लगा। ये सब एकदम सूज गया और टाइट हो गया, एकदम अंदर से कीड़े जैसे आने लगे, टाइट हो गया। मवाद ऐसा बढ़ गया था कि अब लग नहीं रहा था कि इनका कुछ हो सकता है। 2-3 डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर बोले कि आपने बहुत समय गंवा दिया है, इमीडिएटली कुछ करो, बाकी कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से सब काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। करें तो हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। फिर प्रभु जी ने एक डॉक्टर का रेफरेंस दिया मुंबई में। हम उनके पास गए, वो बहुत बड़े डॉक्टर है, उनका एशिया में नाम है पूरे। हम उनके पास गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स करवाने को कहा। रिपोर्ट्स करवाए हमने। रिपोर्ट्स करवाने के बाद वो बोलते हैं कि इसमें नहीं हो सकता, आप कुछ, आप बहुत लेट हो गए हो, इस केस में अब कुछ भी नहीं रखा है। हमने सोचा ऐसा कैसे? बोले हाँ, अब नहीं हो सकता, पेट स्कैन में दिखा रहा है कि मसल्स में कैंसर पहुँच गया है। मैंने माँ के साथ बात की, प्रभु जी के साथ बात की, ऐसा ऐसा है। फिर प्रभु जी ने बुला लिया वहाँ से, और फिर कृपा शुरू हुई, गौ माता की भी कृपा शुरू हुई। और एक बात ज़रूर है कि पहले मैं रोज़ आता था, चेक करता था, मुंबई जाने से पहले तो बढ़ता हुआ दिख रहा था। मुंबई जाने के बाद आए, प्रभु जी से मिले, और उनके हृदय में इतनी करुणा होती है कि वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते, मेरे पापा का नहीं, किसी का भी वो दुख देख ही नहीं सकते, चाहे वह दुश्मन भी हो उनका। उस दिन से वो 8 जनवरी का दिन और आज 11 मार्च, ये 2 महीने और 3 दिन मैंने जब भी चेक किया है, थोड़ा तो थोड़ा कम ही होता जा रहा है, बड़ा कभी नहीं है, बड़ा कभी नहीं है। अपने गव्यदा के कैंप में पूरी ट्रीटमेंट ली, प्रभु जी ने जो 2-3 दवाएं बताई थी वो ली। पहले एक समय नवंबर में ऐसा आया कि पापा का मुंह नहीं खुल रहा था, मुंह बंद हो गया। मैंने हमारे गव्यदा के डॉक्टर को मैसेज पहुँचा, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने पूछे, प्रभु जी के सामने ये मैसेज रखा। प्रभु जी ने मुझे 3 दवाई दी, 3, वो भी निःशुल्क, खाली मुझे पेड़ पत्तों से तोड़ के लानी थी और उनका कृपा रही। पापा का दूसरे दिन मुंह खुलने लगा, वो बातें करने लगे। और डॉक्टर्स के पास मैं जब भी गया हूँ उन्होंने यही कहा है कि पेशेंट जिंदा है। पहले तो अहमदाबाद के एक डॉक्टर ने मुझे ये कहा, बड़ौदा के एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दिमाग में पहुंच जाएगा। और मुंबई जहाँ प्रभु जी ने भेजा था वो डॉक्टर ने कहा कि इनका मुंह कैसे खुल रहा है हमें नहीं पता, ये इम्पॉसिबल है, अब धीरे धीरे ये बंद होता जाएगा आपका। आज वो आपके सामने खुद इन प्रभु जी की कृपा का चमत्कार बता रहे थी इतनी पब्लिक के बीच में। इससे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये जो कुछ भी है प्रभु जी की कृपा की वजह से ही है। और एक बात मैं आज सबके सामने जरूर कहूँगा कि जब मैं मुंबई जा रहा था ऑपरेशन के लिए, वहाँ 7-8 लाख रुपये लगने वाले थे, तो मैंने प्रभु जी के सामने एक बात रखी थी कि मेरे पास कोई मेडिक्लेम नहीं है प्रभु जी, मैं क्या करूँगा। मैं चिंतित हो गया था उस वक्त। उनके श्रीमुख से उद्गार निकले थे कि मैं हूं ना, पैसे की चिंता तू क्यों करता है, 8 लाख 10 लाख 12 लाख मैं बैठी हूं ना। ये उनके वचन थे और उसी मुताबिक उन्होंने किया। पर कृपा कुछ और ही काम कर रही थी। जब इन्होंने बोल दिया था कि आपको कुछ नहीं होगा तो कोई डॉक्टर कैसे ठीक कर सकता था, वहां से भी वापस आ गए और आज 80% ठीक हो चुके हैं और आपके सबके सामने है। इस बच्चे ने कहा कि प्रभु जी की कृपा है, मेरी माँ की कृपा है, कृपा गैया मैया की है। मैंने क्योंकि पंचगव्य से जितने असंभव से पेशेंट थे उनको और असाध्य रोगों को भी ठीक होते देखा है। हाँ, ये इसकी बात सही है कि सही वक्त पर इसका आना, सही वक्त पर बताना और वही उसी वक्त पर वैसे उद्गार निकलना, तो प्रकृति में व्यवस्था होना वो बहुत स्वाभाविक हो जाता है। पर इसमें दवाइयों में पंचगव्य ने जितना काम किया है वो मुझे आपसे यही कहना है कि हाँ, पिछले कुछ 2-3 बार से, शायद उससे ज़्यादा, गव्यदा कैंप लगता है। अहमदाबाद में लगा है 3-4 बार और उसमें ऐसे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे। एक तो ये यही थे जो इनके पिताजी थे। अच्छा, पहले जब मैंने इनको पहले कैंप में देखा था तब उनका मुंह नहीं खुलता था, इसकी बात सच है। वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, ये भी बात सच है। वो शायद बहुत बहुत दिक्कत से बैठते थे, अभी भी चलने में दिक्कत है। पर उसके बाद जो मैंने इनमें चेंज देखा तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि असाध्य से असाध्य बीमारियां भी पंचगव्य से ठीक हो सकती है।